भाई हाथ गर्म नहीं हो रहे किसी भी वजह से। सो ये हीटर आ गया हाथ में, सही है जी, ज़्यादा गर्म। ये क्या आइटम आया भाई साथ में? नहीं खाना नहीं है, देखना क्या आइटम है भाई। तो स्वागत है सभी का सुबह सुबह इस व्लॉग में। सो लेट्स एक्सप्लोर राजस्थान विद अस विद टीम आरईसी। और हम सब तैयार हो गए हैं, हमारी बाइकें तैयार हो गई हैं। और भाई वो खड़ा रचित, ये इनकी बाइक्स, और ये है मेरा चीता। भाई इसी चीते के ऊपर टंके सारी जगह घूमता होता है बहुत भरोसा है इस चीते के ऊपर। और भाई एक बार है ना, एक बार ये देखो, ये निकला रचित, लेकिन रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया हिमांशु को। गौर से देखो देवियों सजनों इस आदमी को ये भाई दीवारों पे मूतने का काम करता है। लेकिन भाई वो एक तो चला गया, लेकिन दूसरे को पकड़ लिया मैंने। चलो कोई नहीं भाई, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई है, रचित की बाइक हो गई है पंचर। और पंचर के साथ दुविधा ये है कि हाईवे पे बाइक पंचर हुई है और आसपास कोई पंचर वाला दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन निकालना होगा, अदरवाइज हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हिमांशु अभी आगे से देख के आया और बता रहा है आगे पंक्चर वाला है, तो स्लोली इस बाइक को मूव करते हुए हमें इसे लेके जाना पड़ेगा उस जगह तक। धीरे धीरे चलेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, क्यों। सो भाई कोई नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला हमें ये होनहार व्यक्ति जिसके छूट गए हैं पसीने इस रॉयल इनफील्ड की बाइक का पंचर लगाते लगाते, क्योंकि मेरे भाई से पंचर क्या, इससे टायर नहीं खुल रहा इस बाइक का। लेकिन फिर भी भाई मेहनत करेगा इंडिया, तभी तो कुछ बनेगा इंडिया। देखते हैं भाई खोल देगा कुछ कर देगा। तो भाई पंचर लगवाने के बाद फाइनली हम अपनी उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। देवी और सजनों हैव अ फर्स्ट लुक। सामने ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यही है सांभर लेक। इस सांभर लेक के नज़ारे को जीने के लिए हम सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और नज़दीक आते हुए ये एरिया है, यहाँ पे आके बाइक पार्क करते हैं। और ये कोई कैफ़े है यहाँ पे, और यहीं से एक टॉय ट्रेन चलती है जो इस पूरी सांभर लेक की सैर कराती है। अच्छी खासी कीमत वो लोग लेते हैं इस चीज़ के लिए, बाकी आप बाइक यहाँ खड़ी करके, गाड़ी खड़ी करके पैदल भी जा सकते हैं। सो चलिए, ये पूरा एरिया जहाँ तक आपको पानी भरा दिखाई दे रहा है, ये है सांभर लेक। एक तरफ सांभर लेक तो दूसरी तरफ है खेत। अब खेतों में तो हरियाली दिखती है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ नज़र आती है तो दिखता है सिर्फ और सिर्फ रंग बिरंगा सा पानी। अब ये कैसे कलर्स हुए इसमें, ये इसका आइडिया नहीं है। और ये कोई गाँव साइड में बसा हुआ है, गाँव का हमें आइडिया नहीं है कौन सा गाँव है, लेकिन चलो ठीक है भाई, जो भी है सो है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। लेकिन चलना नहीं चाहिए भाई सब, हमारी वीडियो में हमें देखे बिना आप कैसे जा सकते हो। सो ये है टीम आरईसी के वो चेहरे जो इस खुराफात को पूरा करने के लिए के सांभर लेक में जाके फोटो शूट करने का है, पहुंच गए हैं सांभर लेक के बीचों बीच। भाई जब भी किसी आइडिए की उपज या किसी राइड की उपज दिमाग में होती है तो टीम आरईसी के चीते, मेरे पपीते, हमेशा हमेशा साथ खड़े हो जाते हैं और राइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चीतो। इसी के साथ लेते हैं आप सब लोगों से विदा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू गाइज़।